जो भी उनका संकाय है उसके ऑप्शनल में से एक ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है वह एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में किया गया है कि छठा एडिशनल सब्जेक्ट। और जो तीसरा बदलाव, जो महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है जिससे कि विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा, इनफैक्ट पहले दोनों बदलावों से भी विद्यार्थियों को अब सिंप्लिसिटी, अब काफी सिंप्लीफाई विषय कर दिया गया है, पैटर्न को भी पहले से सिंप्लीफाई कर दिया गया, उससे भी विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। और तीसरा जो अतिरिक्त विषय जो हम लोगों ने अभी पैटर्न जो चेंज के बारे में बताया, इसके संबंध में उत्तीर्णता का जो लॉजिक है, जो उत्तीर्णता की जो कार्रवाई जो बिहार बोर्ड द्वारा की जाएगी उसमें भी बदलाव किया गया है। इसमें बदलाव यह किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी ने 5 विषयों के अलावा यदि छठे अतिरिक्त विषय का चयन करता है और यदि वह प्रथम 5 विषय में से किसी भी एक विषय में यदि वह फेल कर जाता है तो उसको उसके छठे अतिरिक्त विषय के अंक से परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उसके उन 5 उत्तीर्ण विषयों में से एक हिंदी या अंग्रेजी अवश्य होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी विद्यार्थी यदि एडिशनल सब्जेक्ट यदि लेते हैं और यदि वे 2 लैंग्वेज पेपर्स और 3 ऑप्शनल पेपर्स, इन 5ों पेपर्स में से किसी भी एक विषय में यदि वह अनुत्तीर्ण होते हैं, यदि वह फेल करते हैं, तो उनका, और यदि वह एडिशनल विषय में यदि वह उत्तीर्ण होते हैं, पास करते हैं, तो उनका फेल का सब्जेक्ट उस एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा और वह विद्यार्थी ओवरऑल पास माना जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि विद्यार्थियों के उत्तीर्णता के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी, विद्यार्थियों के पासिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। अभी के समय में यदि विद्यार्थी उस 5ों सब्जेक्ट में से किसी एक में फेल करते हैं तो उसका अलग सिस्टम, उसका अलग लॉजिक है। अभी के समय में जो स्थिति है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैं विज्ञान संकाय की बात कर रहा हूँ, विज्ञान संकाय के विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा मैथ्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं और उनका वह मैथ रिप्लेस होने की व्यवस्था है बायोलॉजी के तुलना में। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के विद्यार्थी का बायोलॉजी का अभी अलग से सिस्टम नहीं है। अब जो हम लोग नए जो पैटर्न हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट का, अब वो विद्यार्थी बायोलॉजी भी अलग से ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के विद्यार्थी बायोलॉजी लेते हैं और किसी एक में यदि वो अनुत्तीर्ण होते हैं, या तो भाषा दोनों या 3 ऑप्शनल में, तो वह उस अतिरिक्त विषय से रिप्लेस हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसका सीधा सीधा लाभ राज्य के लाखों विद्यार्थियों को इसी आगामी सत्र लागू किया जाएगा। समिति बोर्ड ने बनाई थी और समिति ने कई राज्यों के पैटर्न का अध्ययन किया और यह जो हम लोगों ने पैटर्न जो वर्तमान में अडॉप्ट किया है यह काफ़ी हद तक CBSE के पैटर्न से मिलता जुलता है और अन्य राज्यों के भी पैटर्न को हम लोगों ने देखा और सबसे जो बेस्ट इसके आधार पर विद्यार्थियों के हित में और परीक्षा व्यवस्था संचालन के दृष्टिकोण से जो भी सबसे बेहतरीन इसमें निर्णय लिया गया है वह समिति की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है और इसकी अधिसूचना भी आज जारी की जा रही है और आज जारी करते हुए इसको जो भी हमारा नया सेशन लागू होगा उससे इस नए सत्र को, इस नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा और इस तीनों महत्वपूर्ण बदलावों से राज्य के लाखों विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा और इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि इस नए पैटर्न के अनुसार वह स्टडी करेंगे और स्टडी करते हुए बेहतर से बेहतर अंकों की प्राप्ति होगी। पढ़ना कौन सा क्वेश्चन है तो आपको पढ़ना है बिहार बोर्ड क्वेश्चन सेटर से बनवाया गया 90% मार्क्स दिलाने वाला सभी विषय का क्वेश्चन आंसर। जी हाँ, अगर ये क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं तो आप 100% श्योर हो जाते हैं कि जो क्वेश्चन आप पढ़ के जा रहे हैं एग्जाम में आपका वही आएगा और आप आराम से 450 नंबर का जो सपना है उसे पूरा कर सकते हैं। पिछले साल 38,000 बच्चों ने इसका फायदा उठाया था तो इस साल आप भी इस लिस्ट में शामिल हो सकते हैं और आपका भी नंबर 450 नंबर आ सकता है। तो आखिर ये क्वेश्चन सीटर से बनवाया गया क्वेश्चन आंसर कैसे मिलेगा वो यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं आएगा। इसकी पूरी गारंटी इसलिए दी जा रही है क्योंकि ये नॉर्मल जो क्वेश्चन आंसर नहीं है, ये बिहार बोर्ड को जो फाइनल क्वेश्चन सेट किया जाता है उन क्वेश्चन सेटर के द्वारा बनवाया गया है, यानी जो रियल क्वेश्चन एग्जाम में रहेंगे वो इसी PDF के अंदर आपको जो है वो देखने को मिलेंगे और आप एग्जाम में एक एक क्वेश्चन आसानी से बनाएंगे, कोई टेंशन आपको नहीं होगा क्योंकि आंसर के साथ यहाँ पे दिया गया है
और हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है। आप कोई भी मीडियम लेना चाहे आप ले सकते हैं। सभी सब्जेक्ट का प्राइस यहाँ पे जो है वो यहाँ पे लिखा गया है। ध्यान देंगे ये प्राइस जो है वो ऑफर का प्राइस है, ठीक। इसका रियल प्राइस जो है वो आपका 1300 रुपये है। अगर आप ये बाद में एग्जाम के एकदम नज़दीक जाके देख रहे हैं तो 1300 ही प्राइस होगा, लेकिन अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं तो ये प्राइस जो है ऑफर के तहत, दिवाली ऑफर के तहत ये प्राइस जो है वो आपका 400 रुपया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का 400 है, हिंदी इंग्लिश का 250 है। अगर आप सभी सब्जेक्ट का लेना चाहे, जैसे साइंस के स्टूडेंट और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो केवल 450 रुपये, आर्ट्स का और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 450, और कॉमर्स का और सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो 450, ठीक है। यानी आप अपना पैकेज लेंगे तो आपको 450 जो है वो यहाँ पर लगेगा। अब देखेंगे इसे आपको लेना कैसे है। तो लेने के लिए सिंपल सा स्टेप जो है वो आपको यहाँ पे फॉलो करना है, ठीक है। क्या करना है, इस नंबर पे आपको फोन पे या गूगल पे के माध्यम से पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेजना है। जब आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देंगे तो तुरंत आपको 90% दिलाने वाला क्वेश्चन आंसर का PDF आपके व्हाट्सएप पे भेज दिया जाएगा। आप चाहें तो इसे आप एप्लीकेशन पे भी ले सकते हैं। एप्लीकेशन पे लेने के लिए आपको करना क्या है तो ध्यान से देखेंगे, है ना। एप्लीकेशन पे लेने के लिए आपको जो है प्ले स्टोर में जाना है, गूगल के प्ले स्टोर में आपके मोबाइल में जहां होगा, ठीक है, जिससे आप व्हाट्सएप डाउनलोड करते हैं, कोई भी ऐप डाउनलोड करते हैं, तो वहां पे आपको जाकर अभिषेक ट्यूटोरियल एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है। एप्लीकेशन का नाम क्या है तो नाम देख लीजिए, यही आपका अभिषेक ट्यूटोरियल एप्लीकेशन का नाम है। ये सर्च कीजिएगा तो आपको जो है एप्लीकेशन मिल जाएगा, उसे डाउनलोड करना है और उस एप्लीकेशन पे आप पेमेंट करके भी इसे जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान देंगे इसमें से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है, यानी जो आपको दिया जा रहा है सिर्फ इसे ही पढ़ना है। कोई गेस पेपर, कोई मॉडल पेपर, कोई क्वेश्चन बैंक कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आप आराम से इसे लीजिए और आज से ही अपना 450 नंबर का सपना जो है वो यहाँ पे पूरा कर लीजिए। पिछले सालों ने 38,000 बच्चों ने इसका फायदा उठाया है, तो आप भी इस साल फायदा उठा सकते हैं। देखिए पिछले साल कितने बच्चों ने क्या फायदा उठाया वो भी आपको दिखा देते हैं। देखिए कितने बच्चों ने इसका फायदा उठाया था, मैं सीधे आपको अभिषेक ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर लेकर आ गया हूँ। कम्युनिटी टैब में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए जब रिजल्ट आया था तो यहाँ पे देखेंगे कि कितने बच्चों का रिजल्ट जो है वो यहाँ पे हुआ था। 2024 में जो भी बच्चे जो है वो PDF लिए थे, ये आपका 90% दिलाने वाला, उसमें देखिए कितने बच्चों ने रिजल्ट दिया था। 6 मंथ एगो जब रिजल्ट आया था उस टाइम का ये वोटिंग करवाया गया है किसको कितना परसेंट नंबर आया है। तो सबसे ज़्यादा बच्चों का जो नंबर आया है वो 430 से 450 वाले लिस्ट में जो है वो यहाँ पे शामिल है, और हर बच्चा का रिजल्ट हुआ है जिसमें 38,000 बच्चों ने इस वोटिंग में हिस्सा लिया, ठीक है। यानी 38,000 बच्चों ने 100% सफलता जो है वो यहाँ पे प्राप्त की है इस PDF को पढ़कर, जिसे आप कमेंट बॉक्स में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कमेंट जो है वो भी आपको दिख जाएगा कि क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस बच्चों ने यहाँ पे किया है, ठीक है। देखिए सभी बच्चों में खुशी है क्योंकि यहाँ पे जबरदस्त उन लोगों ने परफॉर्मेंस किया है। देखिए किसी का 357 है, किसी का 430 है, ठीक है, सभी बच्चे 425 है, है ना, जबरदस्त परफॉर्मेंस सभी का रहा है। कमेंट बॉक्स में भी काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया है, किसी का 470 आया है, देख सकते हैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। तो देर किस बात की, अभी जाइए इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए, ठीक है। और आप 95 नंबर एक बार फिर से दे रहा हूँ, 9504510500 पे फोन पे या गूगल पे से पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजिए और फटाफट ये PDF अपने नाम कर लीजिए और आज से ही लिख लीजिए कि 450 नंबर आज से आपका इंटर में श्योर होने जा रहा है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर दीजिए और एप्लीकेशन पे भी ले सकते हैं, तो एप्लीकेशन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके वहां से भी पेमेंट करके आप इस PDF को ले सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है, ठीक है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस, ऑल द बेस्ट सभी को। एकदम एग्जाम में इस बार तहलका मचा देना है बाबू, 450 नंबर आपका ही होगा ये लिख लीजिए आज से।